नमस्कार दोस्तों, मैं यशवंत सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं माई आई टी आई ज्ञान के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आज कुछ बात करने से पहले, कुछ बातें शेयर करने से पहले आज आप सभी यूट्यूब फैमिली मेंबर्स का धन्यवाद करना चाहूंगा कि आज हमारे 2000 जो है सब्सक्राइबर जो है पूरे हो चुके हैं। और आई होप कि आगे भी आपका इसी तरह से प्यार और प्रेम मिलता रहेगा। और पंप से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ आप जो है कनेक्ट इसी तरह से रहेंगे। और आज हम बात करने जा रहे हैं टेक्समो कंपनी के 3 HP के वर्टिकल पंप के बारे में कि किस तरह से इसको इंस्टॉल किया जाता है, क्योंकि ओपन वेल सबमर्सिबल पंप और वर्टिकल पंप के मैं जो है थोड़ा सा मैं आपको इसका डिफरेंस बताऊंगा कि किस तरह से आपको इसको पानी के अंदर डालना होता है और किस तरह से आप इसको जो है इंस्टॉल करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। और क्या क्या कहाँ कहाँ पे आप इस पंप का यूज कर सकते हैं और क्या क्या इसके जो है मेन फीचर है इसके बारे में बातचीत करेंगे, और कितना इसका हेड रहने वाला है और कितना पानी आपको इस पंप में जो है मिलने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हमारा भी एक मोटिवेशन बना रहे। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली पंप से रिलेटेड जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं टेक्समो ब्रांड का 3 HP का वर्टिकल पंप, जो कि बहुत ही बेहतर जो है ओपन वेल सबमर्सिबल पंप जो है आपके लिए रहने वाला है। क्योंकि ओपन वेल सबमर्सिबल पंप जो है दो तरह के आते हैं, जो कि एक वर्टिकली रहता है, एक आपका जो है हॉरिजेंटली रहता है। ये दो प्रकार के पंप है, क्योंकि जो हॉरिजेंटली पंप रहते हैं उसको आप सीधा ही जैसे आप उसको उसमें वायर और पाइप डिलीवरी पाइप लगाते हैं तो उसको पानी के अंदर डालते हैं। तो कुछ इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरह से आपका जो सबमर्सिबल पंप है, जो हॉरिजेंटली सबमर्सिबल पंप है, वो इस तरह से जो है आप पानी के अंदर डालेंगे। तो जो वर्टिकली पंप रहता है इसको जो है किस तरह से इंस्टॉल किया जाता है, सबसे पहले हम इसके ऊपर बात कर लेते हैं कि जो वर्टिकल पंप रहता है वो आपका जैसे ही आप पंप में जो है वायर पहले आपको सूखे में क्या करना है, जैसे ही आपके पास पंप आता है तो आप कोई भी पंप लेते हैं तो आपको उसमें एक वायर कनेक्ट करनी रहती है, क्योंकि 3-phase वायर जो भी है 3-phase के कनेक्शन आप कर सकते हैं। उसके साथ आपको एक डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर भी मिलेगा जो कि पानी के बाहर से ऑपरेट होगा। सबसे पहले आपको 3 वायर उसमें जो है कनेक्ट करनी होती है 3 phase के अंदर मोटर में, और क्योंकि उसमें वर्टिकली में जो है सीरीज में लगी रहती है, इस तरह से जो है पंप मोटर और पंप दोनों एक ही सीरीज में जुड़े होते हैं, और जिसमें कि 3 वायर आपको जो है मोटर में जोड़नी है और पंप और मोटर को जो है आपस में जोड़ करके जो है उसमें सक्शन पाइप की इसमें जरूरत नहीं रहती, और आपको डिलीवरी पाइप इसमें जो है लगानी है। डिलीवरी पाइप जैसे ही लगाएंगे, वायर लगाएंगे, क्योंकि इसमें जो है आपको वायर मिलती है वो वाटरप्रूफ वायर मिलती है जिसमें कि आपको करंट नहीं लगेगा, पानी के अंदर कोई करंट लगने की उसमें संभावना नहीं रहती। जहां से आप ज्वाइंट करेंगे वहां पे आप टेप वगैरह जो है सही से लगा दें ताकि आपको जो करंट है लीक ना करे, तो वो इंसुलेटेड जो टेप रहती है वाटर इंसुलेटेड, तो वहां पे वो टेप आप जो है यूज कीजिएगा। और उसमें जो है प्राइमिंग करने के बाद पंप को जो है पानी के अंदर डालिएगा, जैसे यहां पे आप देख सकते हैं। तो इस तरह से जो है जैसे ही आप पंप को नीचे डालेंगे तो जो आपका स्टार्टर रहेगा, जो आपकी आपने जो है वायर निकाली हुई है, जैसे जो पंप मोटर से वायर निकलेगी आपकी, वो पानी के बाहर जो है आपको कहीं पे भी जहाँ पे आपको सूटेबल, जहाँ पे आपकी बिजली है वहाँ पे आप उस पैनल को फिट करेंगे, क्योंकि इसके साथ आपको डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर मिलेगा जिसमें कि ऑन ऑफ बटन रहेंगे और ग्रीन और रेड बटन आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, और उसके थ्रू जो है आपका जो पंप है चलेगा। तो उसके बाद जितना आपकी रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है आप पानी का यूज उस कर सकते हैं। तो इसको जो है आपको वर्टिकली ही डालना रहता है, जो वर्टिकली पंप होते हैं इनको इंस्टॉल ही वर्टिकली जो है किया जाता है। यदि आप इनको जो है हॉरिजेंटली रखेंगे तो इसमें थोड़ा सा आपको
प्रॉब्लम देखने में आएगी तो फेस करनी पड़ेगी। तो इसलिए जो पंप जिस तरह से डिजाइन हुआ होता है तो आप उसको उसी तरह से यूज़ भी किया कीजिएगा, तो उस तरह से आप जो है इसको लगा सकते हैं। और ये पंप जो है आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ टेक्समो ब्रांड का 3 HP का वर्टिकल पंप, जिसकी जो कि ओपन वेल सबमर्सिबल पंप ही है, जिसकी इंस्टॉलेशन मैंने आपको बताया कि किस तरह से आपको इंस्टॉल करना है। और ये पंप जो है इजी टू इंस्टॉलेशन के लिए जो है बहुत ही इजी है, इजी और कम नॉइज जो इसकी है वो भी बहुत कम है। और ये पंप जो है कहाँ कहाँ पे आप लगा सकते हैं, एक तो डीप वेल जहाँ पे आप नदी नहर कुएं इत्यादि में डीप वेल में लगा सकते हैं, शैलो ओपन वेल पंप में जो है इस तरह के जगह में जो है ये पंप यूज किए जाते हैं, नदी में आप यूज कर सकते हैं, पानी के अंदर जो है इन पंपों को जो है रखा जाता है ताकि आपको पानी ये बाहर निकाल के दे देगा। और साथ ही साथ आप यदि आप खेतीबाड़ी और किसानी से जुड़े हमारे किसान भाई है तो आप स्प्रिंकलर जो है इसमें आगे लगा सकते हैं, जैसे आपको पानी चाहिए जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप जो है सिंचाई कर सकते हैं। बागवानी से के क्षेत्र से जुड़े हमारे किसान भाई है तो कहीं पे आपने बगीचा तैयार किया हुआ है किसी चीज़ का तो आप वहाँ पे जो है ड्रिपिंग कर सकते हैं, ड्रिपिंग के माध्यम से कर सकते हैं, स्प्रिंकलर लगा सकते हैं। और आप ये जो है मल्टी स्टेज जो है मल्टी स्टोरी जो अपार्टमेंट रहते हैं वहाँ पे भी आप इनका यूज़ कर सकते हैं, और होटल रेस्टोरेंट यदि आप चलाते हैं वहाँ पे इन पंपों का प्रयोग कर सकते हैं। और सबसे पहले हम बात करते हैं तो ये पंप जो है 3 फेज के ऊपर चलने वाला आपका पंप है जो कि 340 से लेकर के 440 वोल्टेज तक चलेगा, 3 HP की इसमें पावर है और 128 मीटर का जो है इसमें हेड दिया हुआ है, 128 मीटर हेड तक जो है आप इसको इससे जो पानी को खींच सकते हैं। डिस्चार्ज भी इसमें बहुत ही बेहतर आपको देखने को मिलेगा जिसमें कि 50 से लेकर के जो है इसका जो डायर रहने वाला है जो डायर इसका जो है 50 mm का रहने वाला है और 1140 लीटर पर मिनट के हिसाब से जो आपको इसमें पानी देखने को मिलेगा। जो ये टाइप है ये जो वर्टिकली पंप ओपन वेल सबमर्सिबल पंप आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ ये जो है वाटर फील्ड है और वाटर कूल्ड है, पानी के अंदर ही जो है ये पंप लगा होता है, पानी के अंदर के लिए जो है बहुत ही सूटेबल पंप है और ये डिजाइन ही इसे पानी के अंदर के लिए किए जाते हैं। और इंडक्शन मोटर जो है आपको इसमें देखने को मिलेगी। और यदि आपको प्राइस की हम बात करते हैं तो ऑनलाइन यदि आप इस पंप को खरीदते हैं तो 25,000 में आपको ये पड़ेगा और मार्केट में थोड़ा सा नीचे ऊपर हो सकता है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, यदि आपको वीडियो वाकई अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिले किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।